डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कस टू ए न्यू टॉपिक दैट कॉल्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और उसमें आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको पता है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़नी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन होता है कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और लास्ट में जाती कहाँ तक है, एनस। लेकिन अलग अलग साइट पर इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं और अलग अलग तरह के डिजाइन बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसी तरह से उसके फंक्शन और वर्क डिफाइन होते हैं, तो इसी कारण हम लोग इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमको सेकंड चीज़ पढ़नी है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में दो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमको दो मोस्ट टॉपिक पढ़नी है, एक एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पढ़ना डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर। अब इसमें जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, और आज की वीडियो की मोस्ट टॉपिक यही रहेगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम माउथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है ए हिस्सा जो दिख रहा है, इसे कहते हैं बकल कैविटी या माउथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माउथ। माउथ के अंदर आपको क्या पाया जाता है, दो चीज़ें पाई जाती है। एक तो टीथ पाया जाता है, माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो टीथ पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, जो वो है टंग पाई जाती है। माउथ के अंदर आपके दो चीज़ें पाई जाती हैं, टीथ और टंग। तो इसको पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ नीचे दिया गया है। साथ में माउथ में एक चीज़ें पाई जाती हैं और जिसका नाम क्या, सलेबरी ग्लैंड। सलेबरी ग्लैंड पाई जाती है, तो सलेबरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे एक पॉइंट बनी हुई है जो भोजन निकलने की साइट होती है, इसे एपिग्लाटिस कहते हैं। जब आप बात करते हैं तो आपकी एपिग्लाटिस ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ जाते हैं, ओसोफेगस पाया जाता है, ओ कर लीजिए, यहाँ पे ओसोफेगस पाया जाता है, ओ ई एस ओ होता है, तो ओसोफेगस पाया जाता है जो एक फूड पाइप है। फूड पाइप ले जा करके माउथ के पोर्सन को स्टमक के पोर्सन से अटैच करता है। इस पोर्शन को कहते हैं स्टमक। स्टमक के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक साइट जिसका नाम ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के बाद यहाँ आप देखते हैं एक और ग्लैंड मिल जाती है जिसका नाम लीवर है, और एक ग्लैंड यहाँ पे जिसका नाम पैंक्रियाज है। उसके बाद ड्यूडिनम के आगे बढ़ते हैं, ड्यूडिनम पे एक चीज़ें आपको देखनी, गाल ब्लैडर जो लीवर के अंदर पाया जाता है, गाल ब्लैडर, और ये ले आता है जूस को ले आकर के यहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे कोलम भी कहते हैं, और अपेंडिक्स आपने कई बार सुना होगा। अपेंडिक्स से जो कभी कभी किसी किसी पेन होती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। रेक्टम है, एनस। इतने पोर्शन अलग अलग इसमें अलग अलग शेप धारण करने के कारण हो चुके हैं। तो इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल, चलिए देखते क्या है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। कह रहा है ऐसी एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेकर के एनस तक एक्सटेंड होती, फैली रहती है। द एलिमेंट्री कैनाल है डिफरेंट पार्ट डन डिफरेंट फंक्शन। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट प्रकार के 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है इंगेशन, सेकंड प्रोसेस होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ होता है एसिमिलेशन, और फिफ्थ होता है इगेशन। आपने पांचों टॉपिक को पीछे पढ़ लिया, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। इंगेशन जिसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल, डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल इंटू द सिंपल मालिक्यूल सिंपल सब्सटेंस, और उसके बाद आपका होता है तीसरा जो है वो है एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्ब्ड फूड एनर्जी टू द बॉडी, और उसके बाद जो फिफ्थ होता है आपका, फोर्थ होता है एसिमिलेशन, जो फूड एनर्जी है उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है, और जो फिफ्थ होता है इगेशन होता है, इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंगेशन। इंगेशन में है इंगेशन इज स्टार्ट इन द माउथ। इंगेशन मतलब क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड पार्टिकल। तो इंटेक ऑफ फूड पार्टिकल ह्यूमन में कहाँ से होता है, माउथ से होता है। तो ये कहाँ से होता है, स्टार्टेड इन द माउथ इन बकल कैविटी। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। इन बकल कैविटी आपको क्या पाया जाता है, टीथ पाया जाता है। बकल कैविटी भी क्या पाया जाता है,
बकल कैप्टिन क्या पाया जाता है, तीत पाया जाता है। तीत के बारे में पढ़ते हैं, इन बकल कैप्टिन मेनी नंबर्स ऑफ तीत प्रेजेंट, कह रहा है बकल कैप्टिन में बहुत सारे दांत पाए जाते हैं, तीत पाए जाते हैं। ईच तीत एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जा बोन, कह रहा है सभी दांत जा बोन की सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडांट, इसी अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, थीकोडांट कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा थीकोडांट दैट मीन्स अटैचमेंट ऑफ बोन इन टू द जा सॉकेट, बोन का अटैचमेंट ऑफ टीथ इन टू द जा सॉकेट, दांत का जा सॉकेट में अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट। सेकेंड टाइप क्या है दांत के बारे में और जानते हैं, दांत में है इन ह्यूमन बींग फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ह्यूमन के लाइफ में दो प्रकार के दांत उगते हैं, एक को कहते हैं मिल्क टीथ, दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ। आपने भी देखा होगा कि आपके 2-3 साल पहले आपके दांत टूट रहे थे, एक दो दांत टूट गए होंगे, फिर उसके जगह पर नए दांत आ जाते हैं। जो दांत टूट जाते हैं उसे हम लोग मिल्क का टीथ कहते हैं, उसके बाद उसके जगह पर एक नया टीथ उगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ए सेट ऑफ टेम्पोरेरी मिल्क टीथ या डिसीड्यूस टीथ रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, दिस इज कॉल्ड डाइफायोडॉन्ट। कह रहा है कि यहाँ पे दो दांत पाए जाते हैं, एक मिल्क टीथ होता है और एक होता है जो होता है परमानेंट टीथ। इसी कारण इस तरह के दांतों की संरचना के कारण या इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइफायोडांट कहते हैं, डाइफायोडांट कहते हैं। तो इसलिए हम याद रखना होगा, एक हो गया थीकोडांट, दूसरा होगा डाइफायोडांट। ठीक, नंबर तीसरी कंडीशन पे आते हैं, इन ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन परमानेंट टीथ व्हिच आर 4 टाइप, एडल्ट ह्यूमन में परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड हेट्रोडॉन्ट, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। सच एज इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, चारों दांत कैसे कैसे हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। आप अपने दांत में काउंट कर सकते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव क्लास, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग 3 तरह से क्लास करते हैं, एक है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्लास और तीसरा होता है प्रैक्टिस सेट। तो जब डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको काउंट कराएंगे कहाँ कहाँ से आपके दांत हैं, चूंकि यहाँ पे काउंट करा पाना डायग्राम भी नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको बस याद रखना है आगे के जो दांत होते हैं, अब आपको हम एक संरचना के माध्यम से बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपके जा की शेप है, ठीक, इसमें आगे के आपके 4 दांत लगे होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको लिखा गया डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला होता है 21-23, आपको याद रखना, 21-23 अपान 21-23, ए अपान है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं 21-23। क्लियर, डेंटल फार्मूला कहते हैं। अब बता रहे हैं कैसे होते हैं, इसको एक बार देखते हैं। ए आपका हो गया, मान लीजिए ज है, ज में लगे हुए आपके टीथ हैं सबके येलो हो जाते हैं, आपका कैसे हो गया, चलिए टीथ हो गए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऐसे दोनों तरफ से ऐसे आपको निकला हुआ नुकीला टीथ होता है, थोड़ा से बड़ा हो गया। और उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका टीथ हो पाया जाता है इस तरह से। एक सेकेंड रुकिए, बता रहे, इसको ऐसे कर दीजिए, कलर क्लियर रहेगा, समझ में आ जाएगा। आप अपने दांत को लेकर के मिरर के माध्यम से देख सकते हैं, बस एक सेकेंड का टाइम दीजिए, अभी हम बता देते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो एक दांत इस तरह का होता है, यहाँ पे 3 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, मोटे मोटे। एक सेकेंड हो गया, रुक जाइए बस, यहाँ पे ये ग्रीन है तो यहाँ पे आपको 2 दांत कैसे हो गए, ग्रीन हो गए, और उसके बाद ये रेड वाला ले लेते हैं। हाँ ठीक, अब ये देखिए आपके एक जा की शेप है, सपोज करना है कि आपके जा की शेप है, आप अपने माउथ में काउंट कर सकते हैं, हालांकि आपके माउथ में पीछे वाला दांत इतना नहीं होगा, बहरहाल आप काउंट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं, आगे आपको कितने दिख रहे हैं इसी पे हम एक लाइन खींच देते हैं। एक हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे लाइन खींच दे रहे हैं डिवाइड करने के लिए, लाइन खींचा गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इधर के दांत हैं इसको हम लोग इसको काउंट करते हैं लेफ्ट साइड के, तो आपके हो जाते हैं 2,
इन दोनों दांत को, आगे वाले दोनों दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर। इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ द फूड। क्या काम होता है लिख लीजिएगा कहीं, कटिंग ऑफ द फूड, फूड को काटने का काम करता है इंसीजर। आगे के जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं दो, ये इंसीजर है। दो की बात कर रहे हैं अभी, दो क्या हो गए, इंसीजर हो गए, क्लियर। उसके बाद आपके वन, ये देखिए वन, ये दिख रहा है ना, वन जो है एक कौन सा टीथ है, वन ए वाला, ए वाला कौन सा टीथ है, तो ए वाला आपका हो जाता है कैनाइन। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ द फूड। किसका काम होता है, टीयरिंग ऑफ द फूड, टीयरिंग ऑफ द फूड यानी भोजन को चीरने का काम करता है, ठीक। उसके बाद आपके दो दिख रहे हैं मोटे मोटे, इसे कहते हैं प्री मोलर। ये इनका काम होता है भोजन को चबाने का, क्रैकिंग ऑफ द फूड, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। और मोलर का काम होता है चीविंग ऑफ द फूड, भोजन को चबाते हैं। तो दो कौन हो गए, एक मिनट फिर से देखिए, ओहो दो कौन से हो गए, ये हो गया आपका, ये दो हो गए, चार कर देते हैं, ये चार हो गए आपके, फिर ये दोनों नुकीले वाले हो गए, ठीक। उसके बाद इधर हो गए आपके दो, और इस दो के बाद तीन आपके हो गए बड़े वाले, ठीक। सपोज कर लीजिए, चलिए। तो अब इस पे आपको देखना है, ये जो दो दांत हैं ए वाले, ये दो दांत यहाँ पे हो गए जिसे इंसीजर, इनका काम होता है कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइन, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ द फूड, ये टाइगर में बहुत मजबूत पाए जाते हैं। उसके बाद प्री मोलर, क्रैकिंग ऑफ द फूड, फूड को तोड़ने का काम करता है। और मोलर ए आपका काम करता है, किसका काम करता है तो आप बताइए, चीविंग ऑफ द फूड, चबाने का, और यही पीसने का काम करता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, पीसने का, लोग दांत पीसते हैं ना, तो ये पीसने वाला दांत यही है। तो जो लोग अनुभवी होंगे वो बताएंगे इसके बारे में। इंटू टू कर दीजिए। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं, अभी हम लोग इसके हाफ पोर्शन पे बात कर रहे थे, क्लियर। हाफ पोर्शन का ए हो गया और हाफ पोर्शन ए हो गया नीचे वाला, इंटू टू मैथ के फार्मूले से मत टाइट करिएगा, नहीं तो एक दांत हो जाएगा। इसको इतना अपान इतना है, ठीक है, 21 23 अपान 21 23, इसका मतलब ये नहीं है, 21 दो का मतलब है इंसीजर, दो इंसीजर पाए जाते हैं, एक कैनाइन पाया जाता है, ये सब प्लस है इसमें बीच में, एक प्री मोलर आपके, टू प्री मोलर पाए जाते हैं, और टू आपके क्या पाए जाते हैं, थ्री आपके क्या पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं। उसका अपान कर देंगे तो फिर वही लेफ्ट साइड का ए है, तो राइट ए लेफ्ट साइड का हो गया, तो यहाँ पे राइट साइड का आप लिख सकते हैं नीचे, इंटू टू कर देंगे तो होगा क्या है? अब देखिए यहाँ काउंट करिए, 2 1 3 3 2 5, 5 थ्रू 8, 8 ए हो गए, 8 इस साइड के, तो कितने हो गए 16, इंटू टू तो टोटल टीथ कितने हो गए 32, आपके बॉडी में कितने टीथ पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद। कुछ एक एक नंबर के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। द बोन टीथ इज कॉल्ड डेंटाइन, दांत की हड्डी को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन द मस्टिकेशन ऑफ फूड, कह रहा दांत के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है इसे इनेमल कहते हैं, जो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, दांत पदार्थों को पीसने में मदद कराता है। टंग, माउथ, बकल कैविटी पढ़ रहे हैं, बकल कैविटी का दूसरा मेन पार्ट है, उसका नाम क्या है, टंग। द टंग इज द फ्रेली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनल्स, द अपर सरफेस ऑफ द टंग स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक पीपली इज कॉल्ड द टेस्ट बड। कह रहा है कि टंग एक मांस का बना हुआ ऑर्गन होता है जो माउथ में फ्री रूप से दोनों तरफ घूमता रहता है। इसका काम होता है फूड पार्टिकल को दांतों के बीच में पहुंचा देता है। माउथ में दो काम होते हैं, एक होता है फिजियो केमिकल रिएक्शन होता है, फिजियो केमिकल मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम काम करती है सेलिवरी एमाइलेज जो फूड को कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है, और दूसरा होता है जो टीथ का काम करती है, टीथ का काम क्या होता है, दांत भोजन को पीसने का काम करता है। तो यहाँ पे सरफेस आ जाती हैं, और इसके बाद इसका काम हो जाता है कि भोजन को क्या करते हैं, टंग है द स्मॉल प्रोजेक्शन, इसके दांत जीभ के ऊपर आपको छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपके टेस्ट बड पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने टंग को निकाल के देखेंगे, अगर मिरर के माध्यम से देखिए उसको तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे पॉइंट ड्रॉप लाइक वो दिखाई पड़ते हैं, उभरी हुई मसल्स दिखाई पड़ती हैं
जिसे आप लोग क्या कहते हैं पिपेली कहते हैं, और इसी में टेस्ट बड पाए जाते हैं जिससे आपको स्वाद के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक नली है जो माउथ को किससे अटैच करती है, ये रहा ओसोफेगस आपका ओसोफेगस। और ओसोफेगस किसको अटैच करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी माउथ को स्टमक से अटैच करने का काम करता है। देखिए, इट इज ए पाइप कनेक्टेड टू द माउथ टू द स्टमक। ए माउथ को किससे जोड़ता है, स्टमक से जोड़ता है। दिस इज द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इज डन। यहाँ पे एक ही काम होता है जिसका नाम है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इसमें भोजन धीरे धीरे खिसकता हुआ कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। खिसकता हुआ धीरे धीरे कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। अब कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं तो कुछ भोजन जा करके इनके यहीं इपिग्लाटिस के पास अटक जाता है, वो पास नहीं हो पाता। तो जब यहाँ पर रुक जाता है तो उससे बड़ा और थोड़ा सा खा लेते हैं कि इसको धक्का दे के ले जाएगा, इसके चक्कर में और अटक जाता है। और उसको कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ सांस नलिकाएं जो इधर से जाती हैं जिससे वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी डक्ट होती हैं, वो दब जाती हैं, और उस कुछ ही देर बाद वो तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का काम होता है, आम आदमी ऐसे नहीं करते हैं। कहने का मतलब कोई निगल जाता है तो और बड़ा चारा खाते हैं। तो उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि आपकी जो नली है, इस नली में भोजन क्रमिक रूप से धीरे 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 स्लिप करके स्टमक तक जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ऑसोफेगस में एक ही काम होता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब बात आती है नंबर टू, जिसका नाम है, अभी तक हम लोग इंगेशन पढ़ रहे थे, अब किसको पढ़ेंगे, डाइजेशन को। डाइजेशन कहाँ से, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मोस्टली डाइजेशन कहाँ होता है, मोस्टली डाइजेशन होता है स्टमक में। ज़्यादातर डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। लेकिन लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है, स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। अंत कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तो याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू द सिंपल सॉल्युबल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। स्टमक सबसे पहला आर्गन कौन आ गया, स्टमक। ऑसोफेगस के बाद किसका नंबर है, स्टमक। स्टमक इज द जे शेप्ड बैग लाइक आर्गन कॉल्ड स्टमक। स्टमक एक जे की जैसी संरचना होती है जो बैग लाइक आर्गन है। बैग में जैसे हम सामान भरते हैं, यहाँ देखिए जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, बैग लाइक आर्गन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। स्टमक के अंदर और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको पढ़ना है। चलिए एक सेकेंड, द मस्कुलर वाल ऑफ स्टमक हैज द मिक्सिंग ऑफ द फूड थ्रोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। कह रहा है माउथ, स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, भोजन में। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस किस में मिल जाते हैं, भोजन में। द डाइजेस्टिव डाइजेशन ऑफ स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव जूस कहाँ निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। प्रेजेंट इन द वाल ऑफ द स्टमक, कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टमक के बाल में पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक के वाल में पाई जाती हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तीन चीज़ें डाइजेस्ट निकलता है, एक क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम निकलती हैं जिसका नाम क्या है, पेप्सिन है। और तीसरा निकलता है म्यूकस, जिसका काम होता है प्रोटेक्टिंग ऑफ द स्टमक वॉल, प्रोटेक्टेड ऑफ द स्टमक वॉल। तो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और म्यूकस निकलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द HCl क्रिएट सिक्रीट, ये देखिए सिक्रीट कर लीजिएगा, आयन एसिटिक मीडियम, नहीं सही है, द HCl सिक्रीट एन एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड टू किल द बैक्टीरिया। कह रहा है कि इसका काम होता है कि भोजन को किस मीडियम में बदल देता है, एसिडिक मीडियम में बदल देता है, मतलब अम्लीय बना देता है, एसिड के रूप में बदल देता है। और जितनी बैक्टीरिया चली जाती हैं आपके निगलने में, चली जाती हैं किसी तरह से भोजन के बीच में, उन बैक्टीरियाओं को किल कर देता है। लेकिन कुछ उसके बावजूद भी बच जाते हैं जो आपको डिजीज काज करते हैं। आगे है पेप्सिन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तीन चीज़ पाई जाती थी, एक HCl, एक पेप्सिन और एक म्यूकस। तो ये पेप्सिन का काम क्या होता है कि प्रोटीन के डाइजेशन करता है। जो प्रोटीन प्रोडक्ट आप खाते हैं, जैसे मीट खाते हैं, एग खाते हैं, मिल्क पीते हैं, तो ये तीनों को आप क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। फेयर्स एस म्यूकस हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वाल।
जो कि म्यूकस किसका काम करता है, स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, तीसरी और फोर्थ टॉपिक दोनों एक ही जगह करना है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये दोनों काम कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। द डाइजेस्टेड फूड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके द्वारा किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। कह रहे हैं हमने आपसे बताया भी कि ऊपर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। मोस्टली डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो डाइजेशन को कंप्लीट किया जाता है प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और फैट के। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियाज विद द हेल्प ऑफ मेनी पर्पज। तो एक क्या काम करता है, देखिए यहाँ से लीवर के भी प्रोडक्ट आ जाते हैं यानी बाइल जूस आ जाता है, और यहाँ से पेंक्रियाज, और ये ड्यूडिनम में खिलते हैं और खुल करके देखिए नली नीचे चली गई है और जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये न्यूट्रिएंट को ले लेता है कहाँ से, पेंक्रियाज के और लीवर के। उसे लेने के बाद एक क्या काम करता है, उसे डाइजेस्ट करने का काम करने लगता है। उसके एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ेंगे तो उसमें लीवर और पेंक्रियाज पढ़ेंगे। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड व्हिच सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। कह रहा है कि इसकी ग्लैंड, कुछ ग्लैंड पाई जाती है इंटेस्टाइन में जहाँ से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इट हैज बीन फाइनली कन्वर्ट टू द प्रोटीन टू द अमीनो एसिड, जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में। याद रखना है किसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यानी यहाँ पे आपको ये करना है कि एंटानिम से याद रखना, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको आपको याद रखना कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि गाय का, उसका हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट की इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, इन द कंपेरिजन ऑफ टाइगर, टाइगर के कंपेरिजन में ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता होगा कि एलिफेंट जो है पूरी तरह से वेजिटेरियन है या हर्बीवोरस एनिमल है, और टाइगर जो है वो क्या है, कार्निवोरस एनिमल है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फूड खाना पड़ता है ताकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, और जो ये होते हैं कार्निवोरस होते हैं ये बहुत कम फूड खाते हैं, ता उसमें मीट में बहुत ज़्यादा कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, तो उनका काम उतने से हो जाता है। इसी चीज़ को याद रखना, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास एंड द लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन अलाउड टू द सेलुलोज टू डाइजेस्ट। कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये ग्रास को खाते हैं ताकि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक, यानी बड़ी होगी तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भोजन आएगा और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी निकाल लेंगे। मीट इज द आइजियर टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, हेंस कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर्स हैव द शॉर्टर इंटेस्टाइन। इसीलिए टाइगर में क्या होती है कि इंटेस्टाइन छोटी होती है जबकि एलिफेंट में इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। द इनर लाइनिंग आप स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है कॉल्ड विली, क्या कहते हैं, विली, व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। द विली आर द रिचली सप्लाइड टू द ब्लड। अब यहीं देखिए सिमुलेशन का काम शुरू हो गया। द विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फिश टेक टू द एब्जॉर्ब फूड टू ईच ऑफ एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि इसका काम होता है कि द विली रिचली सप्लाइड टू द ब्लड वेसल्स, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड को एवरी सेल तक क्या करता है, फूड एनर्जी को एवरी सेल तक पहुँचाने का कार्य करता। द अनडाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो भोजन पचा नहीं अभी वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दैट मटेरियल। कह रहा है कि जो मटेरियल जाता है उसमें से ज़्यादा पानी को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यही होता है जब आपको डायरिया हो जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं करती, तो जितना पानी वाला प्रोडक्ट आपका अनडाइजेस्टेड जाता है उसे क्या काम करता है, ले जाके रेक्टम में भर देता है और आपको जल्दी जल्दी फिकल मेटल डिस्चार्ज करने की आदत पड़ जाती है।
वो डायरिया के कारण होता है, और इसी कारण जब यहाँ पर वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो आपके बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है और आप सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉल पीने की सलाह दी जाती है या ORS का घोल पीने की सलाह दी जाती है। पांचवा आपका है इगेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रिमूव थ्रू द बाय ऑफ द इनर। कह रहा है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंगेशन कहते हैं, जो कि ह्यूमन में किससे होता है, एनस के द्वारा होता है। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब सेकेंड आपको पढ़ना है एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टेड ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टेड ग्लैंड आपको पढ़, डाइजेस्टिव ग्लैंड कर लीजिए, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है आपको। किस में पढ़ेंगे आप, इसमें तीन ग्लैंड पाए जाते हैं, सलेबरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रिया, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है, फिर हम मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।